हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्कर्ट बनाने वाली हूँ, वो भी 1.5 मीटर कपड़े से। इसके लिए मैंने दो मेज़रमेंट लिए हैं, वेस्ट राउंड और स्कर्ट की लंबाई। वेस्ट राउंड 30 है और स्कर्ट की लंबाई है 31। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ये रेयन मटेरियल है और ये 1.5 मीटर कपड़ा है। पहले मैं इसे खोल लेती हूँ और फोल्ड करके इसे मैं रख लेती हूँ। तो सबसे पहले कपड़े की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कितनी है। यहाँ मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा हुआ है, तो यहाँ मैं कपड़े की लंबाई देखूंगी। तो इस तरह लंबाई, ये फोल्ड कपड़ा है, तो यहाँ पे मैं इंची टेप को फोल्ड करके इस तरह से, और ये 1.5 मीटर से 3 इंच कम है। मुझे इसी में से स्कर्ट बनानी है। इसके बाद कपड़े की चौड़ाई देखूंगी मैं, और चौड़ाई में ये कपड़ा 120 सेंटीमीटर यानी करीब 1.25 मीटर है। अब मैंने यहाँ से, मुझे 12 इंच करीब लेना था, 12-13 इंच, लेकिन मैंने यहाँ से पूरा 15 इंच लिया है। नेफा बनाने से पहले मैं स्कर्ट की लंबाई देख लूँगी कितनी है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे मैं नेफे की तरफ से ही निकाल दूँगी। तो यहाँ मैंने 15 इंच पर ये लाइन बनाई है और यहाँ से मैं इसे काट लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से सेंटर में मैंने एक मार्क किया है, उसके बाद दूसरी साइड में भी मैं सेंटर में मार्क करूँगी एक, और यहाँ मैं एक सीधी लाइन बना दूंगी। और अब मैं इसे बीच में से काट लेती हूँ। इस तरह से मुझे 4 पट्टियाँ मिलेंगी ये, और यहाँ एक पट्टी की चौड़ाई जो है वो 14 इंच है, ये 4 पट्टियाँ हैं इस तरह से। और यहाँ से मैंने ये पूरी पट्टी ली है, तीन पट्टियाँ मैं नीचे वाली फ्रिल में लगाऊंगी जो कि बॉटम में लगेगी, और एक पट्टी मैं इस तरह से फोल्ड करके इसे मैं बीच में लगाऊंगी। यहाँ मैं बीच में से पट्टी को काट दूंगी, और ये 3 पट्टियाँ इन्हें मैं इस तरह से जॉइंट कर लूंगी। ये बीच वाली पट्टी मैं बीच में से काट देती हूँ। इस तरह से यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी, और ये लंबी पट्टी इस तरह से मैं इन्हें बना लूँगी यहाँ से, और ये दूसरी साइड से। तो मैं इन्हें तैयार कर लेती हूँ, और ये देखिए मैंने पट्टियों को ऐसे जॉइंट कर लिया है, और ये इस तरह से पूरी पट्टी तैयार हो गई है। इस तरह से जो ऊपर का जो कपड़ा है उसे मैं इस तरह से, नीचे वाले कपड़े को मैं इस तरह से फ्रिल बनाऊंगी, और ये बीच वाली पट्टी है इसमें मैं प्लेट्स डालकर इस तरह से ऊपर वाले कपड़े से जॉइंट करूंगी। इस तरह से मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। देखिए मैंने तीनों पट्टियों को इस तरह से मैंने जॉइंट कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि ये जो बॉटम में है, बॉटम में मैं पहले डबल फोल्ड करके पतली सी किनारी बनाऊँगी, उसके बाद मैं साइड में सिलाई लगाऊँगी, और फिर
मेज़रमेंट लूँगी कि मुझे कितनी लंबाई चाहिए, 31 चाहिए, उसमें मैं 2 इंच प्लस करूँगी नेफे के लिए। उसके बाद मैं नेफा बनाऊँगी, यहाँ मैं 1 इंच की इलास्टिक डालूँगी तो मैं 1.25 इंच का नेफा बनाऊँगी, 2 इंच मैं रखूँगी एक्स्ट्रा, बाकी जो भी होगा वो मैं निकाल दूँगी और यहाँ पे मैं नेफा बना लूँगी। तो मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने पूरी स्कर्ट तैयार कर ली है, अब मैं इसमें डालूँगी इलास्टिक और ये नेफा मैंने बनाया है। यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ से मैं इसमें इलास्टिक डालूँगी। और बॉटम में अभी मैंने पतली सी किनारी बनाई है फोल्ड करके। और इसके लिए मैंने इलास्टिक ली है, 30 इंच वेस्ट राउंड है, उसके लिए मैंने 4 इंच कम इलास्टिक ली है, 1 इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा ली है इलास्टिक, तो इस तरह से मैंने 27 इंच इलास्टिक ली है, 1 इंच सिलाई में चली जाएगी। तो इस तरह से मैं इसे डालूँगी इसमें और मैं सेफ्टी पिन से मैं इसे डाल लेती हूँ और इसे मैं रेडी कर लेती हूँ। के बाद मैं पहले इलास्टिक सिलूंगी, यहाँ से मैं इलास्टिक को सिलाई लगाकर यहाँ से मैं जॉइंट कर देती हूँ इलास्टिक। उसके बाद एक सिलाई में बीच में लगाऊंगी जो कि इलास्टिक के बिल्कुल सेंटर में होगी, इस तरह से इलास्टिक जो है वो फिक्स हो जाएगी। और इलास्टिक भी मैंने 1 इंच की ली है और नेफा मैंने 1.25 इंच का बनाया है। इसे मैंने कर लिया है तैयार। और बीच में मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है। और बनने के बाद ये है कुछ इस तरह की, और घेरा भी काफ़ी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये थी स्कर्ट जो कि मैंने 1.5 मीटर कपड़े से बनाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।